नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहा जाता है कि अपने जीवन में सबके साथ अपना व्यवहार ऐसा रखें जो लोगों के दिलों में उतरें, ना कि दिल से उतर जाएं। व्यवहार ही तो होता है जो या तो हमें दिल में उतार देता है या दिल से उतार देता है। इसीलिए बाइबल में क्राइस्ट ने कहा है कि दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों से खुद के लिए चाहते हो। मैं कई बार इस बात को इस मंच पर दोहराता हूँ, क्योंकि ये वास्तव में हमारी जीवन की एक रियलिटी है। हम चाहते बहुत कुछ हैं लोगों से, अच्छा अच्छा, लेकिन हम क्या दूसरों को अच्छा दे रहे हैं? तो व्यवहार ही है मित्रों जो हमें शिखर की ओर ले चलता है, लोगों के दिलों में स्थान देता है, और इसी पर आधारित है आज का सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। नमस्कार। हमारा व्यवहार ही दूसरों के मन में हमारी छवि बनाता है। हमारा व्यवहार दुश्मनों को भी जीत लेता है। व्यवहार अपने अंदर बहुत बड़ी कला है। अगर हमारा व्यवहार दूसरों के लिए मधुर होगा तो हम उनके मन को जीत लेते हैं। व्यवहार जो है वो हर एक चाहता है कि हमारा व्यवहार उनके प्रति अच्छा हो, तो हम भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। व्यवहार कुशल होना भी अपने अंदर एक बहुत बड़ी कला है, जिससे कि हमारे जीवन के अंदर शांति सुख बना रहता है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति सोचता तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो व्यवहार में आता है तो उसके संबंध इतने मधुर नहीं रहते हैं। जब हम व्यवहार मधुर करते हैं तो कभी कभी बिगड़ी हुई बात या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है वो भी बनती नजर आती है। तो क्यों ना आज से हम व्यवहार कुशल बने, मधुर बने, तो हम अपने जीवन में सफलता को आमंत्रित करें। मित्रों, 17वीं सदी को एज ऑफ फेथ के रूप में जाना जाता है, 18वीं सदी को एज ऑफ रीजनिंग, 19वीं सदी को एज ऑफ प्रोग्रेस, 20वीं सदी को एज ऑफ टेंशन, और 21वीं सदी को लोग एज ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। WHO ने कहा है कि डिप्रेशन महामारी की तरह आने वाले समय में सारे संसार में फैल जाएगा। कारण क्या है और कैसे हम इससे मुक्त रह सकते हैं, बहुत बहुत ज़रूरी है मित्रों, क्योंकि मन ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आज डॉक्टर गिरीश पटेल जी हमारे साथ हैं सुंदर टिप्स लेकर कि कैसे आप डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। नमस्कार। डिप्रेशन सबसे सामान्य कॉमन बीमारी हो गई है। हर 3 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन से मुक्ति पानी है तो सबसे पहले, जैसे निराशा का विरुद्ध है आशा, तो कभी भी आशा को कम नहीं करो। नेवर लूज योर होप। होप का जो स्पेलिंग है HOPE, कहते इसका अर्थ है होल्ड ऑन पेन एंड्स। बस हमें थोड़ा समय अपने आप को स्वस्थ रखना है, समस्या समाप्त होने वाली है। दूसरा, एक लिस्ट बनाइए, कितनी न भयानक समस्या हो परंतु कुछ न कुछ अच्छा होता ही है, चाहे वह अपरोक्ष हो, इनडायरेक्ट हो, परंतु उसका एक लिस्ट बनाइए। तीसरी बात, चाहे कई लोग कहते कि भी भविष्य में, अभी वर्तमान में तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, भविष्य किसने देखा है, तो भी परंतु पक्का करो कि भल वर्तमान में कोई फायदा नहीं हो रहा है परंतु भविष्य में कोई ना कोई फायदा होगा। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण मेरे जीवन के ही दे सकता हूं।
कि कैसे भविष्य में फायदा होता है। तो इन तीन बातों को अगर आप जीवन में धारण करेंगे तो मैं समझता हूं कि कितनी न भयानक समस्या हो उसमें भी आप डिप्रेशन से मुक्त हो पाएंगे। ओम शांति। तो मित्रों, जब कभी भी देखें अपने आसपास अपने प्रियजनों को या फिर सगे संबंधियों को कि कहीं उनमें कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं डिप्रेशन के, तो इन टिप्स को जरूर इस्तेमाल करें ताकि वो इससे बाहर आ सकें और स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकें। ब्रह्मा कुमारी यही सुंदर सेवाएं मित्रों 140 देशों में कर रहे हैं कि कैसे सबका मन स्वस्थ रहे, कैसे लोग जीवन का संपूर्ण आनंद लें। और यही अनुभव जब कभी भी सेवा केंद्रों पर, जो प्रायः सभी शहरों में हैं भारतवर्ष के और विदेशों में अलग अलग शहरों में हैं, लोग जाते हैं तो सुंदर अनुभव करते हैं। हेडक्वार्टर्स पे भी जब कभी खास और आम जन आते हैं तो ये सुंदर अनुभव करते हैं। और इन्हीं अनुभवों को हम लेते हैं विशिष्ट जन की बातें विशेष में। आज हमारे साथ हैं नेपाल सरकार में मंत्री रहे श्री बैजनाथ चौधरी जी। हम तो ये चाह रहे हैं कि नेपाल में जैसे अभी 4 करोड़ मोटामोटी जनसंख्या है जी, 4 करोड़ लोगों के पास ये ज्ञान को एक बार पहुंचना चाहिए। अब कोई फ्लोर बनता है नहीं बनता है उसकी बात है, लेकिन ये चीज है कह करके एक बार उसको इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। इसको बताने के लिए एक बार हम लोग को कोशिश करना पड़ेगा। हैप्पीनेस सुख सुविधा से नहीं मिलती है, उसके लिए जो है स्पिरिचुअलिटी का जरूरत है और कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ता है। जब हम ज्वाइन होंगे, जैसे अब आज हमारे गीता महन जी ने बताया कि हम लोग आत्मा है और परमात्मा से जब जुड़ जाएंगे एक विश्वास आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा। इस तरह के जो ज्ञान दे रहे हैं थोड़ा मनन करना जरूरी है कि वास्तव में कुछ है जो कि नाश्वर नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि किसी तरह से देश में शांति हो और ट्रांसफॉर्म हो जाए, पब्लिक बदल जाए, बुरा चीज छोड़ दें और बढ़िया चीज असल आचरण को स्वीकार करें किसी भी माध्यम से, चाहे आप आध्यात्मिकता के माध्यम से करें, कोनो भी माध्यम से आप अगर जो बदल जाते हैं तो देश के लिए बुराई क्या है। तो हम चाहते हैं कि थोड़े समय में थोड़े खर्च में अगर जो हम दुनिया को बदल सकते हैं तो वो काम क्यों नहीं किया जाए। मित्रों कहते हैं कि जो सेवा करता है उसे मेवा भी अवश्य प्राप्त होता है। यद्यपि जो सेवा सेवा भाव से करता है, निस्वार्थ भाव से करता है, उसे मेवा की चाहना नहीं रहती, लेकिन फिर भी परमात्मा, समाज, लोग उन्हें मेवा अवश्य प्रदान करते हैं। ऐसी ही है आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मीरा दीदी जी, जो पिछले 60 वर्षों से अनवरत समाज की सेवा कर रही हैं, सब तक ईश्वरीय ज्ञान पहुंचा रही हैं। आपने अपने जीवन का ये जो पल है औरों के लिए जिया है और इसीलिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आपको सम्मानित किया और साथ साथ ईश्वर की तो आप प्रिय हैं ही, लेकिन सभी की प्रिय हैं, इसीलिए सभी ने अपने दिल का सम्मान और प्यार आपको अर्पित किया। आप सांता क्रूज मुंबई में ब्रह्मा कुमारी की ब्रांचों की सब जोन इंचार्ज हैं। आइए देखते हैं उनके सुंदर सेवा और सम्मान को। ब्रह्मा कुमारी मुंबई सांता क्रूज निदेशक राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मीरा दीदी को 60 वर्षों से मानवता के प्रति उनकी अथक समर्पित आध्यात्मिक सेवाओं के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस बाई वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के अध्यक्ष श्री संतोष शुक्ला जी ने पुरस्कार प्रदान किया। बॉलीवुड संगीत निर्देशक भ्राता उस्मान खान जी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। विले पार्ले सबजोन की निदेशक ब्रह्मा कुमारी योगिनी दीदी ने अपने खूबसूरत यादगार अनुभव साझा किए, बधाई और शुभकामनाएं साझा की गयी। एच वेस्ट वार्ड पार्षद और पूर्व डिप्टी मेयर आदरणीय सिस्टर अलका केरकर जी एवं वार्ड नंबर 97 पार्षद
आदरणीय सिस्टर हेतल गाला जी, सांता क्रूज वेस वाइस प्रेसिडेंट मुंबई नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट भी उपस्थित थे। सिस्टर पूजा सदरंगानी और मोहन शेट्टी जी पार्टनर मोक्ष इवेंट्स द्वारा मधुर गीत गाए गए। विभिन्न नृत्य समूहों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम को उत्साहित किया गया। इसके बाद सम्मान कैंडल लाइटिंग अनोखे केक काटने के कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में 1200 से अधिक बीके और वीआईपी मेहमानों ने भाग लिया। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मीरा दीदी ने सभी को आशीर्वाद दिया और सभी को एक सुंदर ध्यान अनुभव कराया। मित्रों, शुरुआत हमने सुंदर व्यवहार से की थी कि व्यवहार, सुंदर व्यवहार कितना जरूरी है, और इसका एक अभिन्न हिस्सा है हमारी बोल। कहते हैं बोल में गजब की शक्ति है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाला अपनी मिर्ची भी बेच देता है। तो कितनी सुंदर शक्ति है ना इसमें, तो क्यों ना इस अमोघ शक्ति को अपना हथियार बनाया जाए। अपने कार्य क्षेत्र में भी, अपने परिवार में भी, जब हम ऐसे मीठे सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे व्यवहारिक बनेंगे, तो निश्चित रूप से जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ता चलेगा और जहाँ पे भी हम रहेंगे खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। तो आज सबरंग की ओर से ये अमोद अस्त्र आपको सौगात के रूप में इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, ओम शांति।